हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग सासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। आज मैं बना रहा हूं व्लॉग और मैं जा रहा हूं मोहाली से अमृतसर गोल्डन टेंपल देखने। वहां से मैं वाघा बॉर्डर भी जाऊंगा। मेरे साथ मेरी मॉम है और मोहाली से अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो 215-230 किलोमीटर के आसपास है और करीब करीब 3.5-4 घंटा लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। अमृतसर पंजाब का लुधियाना के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी काफी ऐतिहासिक मान्यता है। इसको गुरु नगरी और गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। मोहाली से अमृतसर की रोड बहुत अच्छी है। करीब करीब 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए अमृतसर। अमृतसर पहुंचते ही हम लोग सीधा गोल्डन टेंपल की पार्किंग में पहुंचे और वहां से चल पड़े दर्शन करने। स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद अब समय था वाघा बॉर्डर जाने का। स्वर्ण मंदिर से वाघा बॉर्डर का रास्ता करीब करीब 1 घंटे का है। जैसे ही आप वाघा बॉर्डर के करीब पहुंचेंगे, आप भारत के फ्लैग को दूर से लहराता हुआ देख सकते हैं। वाघा बॉर्डर पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको कुछ दूर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर की सेरेमनी 4 बजे के आसपास शुरू होती है और अगर आप थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको मनपसंद सीट बैठने के लिए मिल जाएगी। वाघा अटारी बॉर्डर पर इंडिया के साइड में बैठने का काफी अच्छा अरेंजमेंट है। अगर आप ऊपर बैठेंगे तो सीधा सामने की तरफ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर देख पाएंगे। जैसे जैसे सेरेमनी शुरू होती है, आपको यहाँ एक अलग ही पेट्रियोटिक फ्लेवर देखने को और महसूस करने को मिलेगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि वाघा अटारी बॉर्डर पर कोई एंट्री फीस नहीं है, और अगर आपको कोई ये कहता है तो समझ लीजिएगा वो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी सेरेमनी 1 घंटा चलती है। Thank you.
सिंह के एहसास में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं। इस पूरी सेरेमनी को मॉम ने जमकर इंजॉय किया। इंडिया के कंपैरेटिवली पाकिस्तान साइड में क्राउड कम ही आता है। और सूरज डूबने के साथ ही सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये लेटेस्ट व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अनुराग सासन, जिस पर आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के वीडियोज़।